तो सर, एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद सबसे पहले हमें डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होता है, जो कि हमें खुद करना पड़ता है। उसके लिए काफ़ी लंबी लाइन होती है, लेकिन 30 मिनट्स तक ही वेट करना पड़ता है क्योंकि मशीनें काफ़ी होती हैं। एंड हमें मशीन में अपना फेस स्कैन करना होता है, पासपोर्ट स्कैन कराना होता है और डिटेल प्रोवाइड करनी होती है कि हमें कितने दिन यहाँ पर रहना है। एंड उसमें से एक स्लिप निकलती है जो हमें इमिग्रेशन पे दिखानी पड़ती है। इमिग्रेशन हो गई हमारी, अब हम देखते हैं आगे कहाँ जाना है। थोड़ा सा डर है बट पड़ेगा। आफ्टर इमिग्रेशन वी वेंट टू स्टूडेंट परमिट क्यू और वहाँ पर हमें ऑलमोस्ट 2 आवर्स तक तो खड़ा रहना ही पड़ा क्योंकि वहाँ पर सब बहुत स्लो काम चलता है, क्योंकि वो आपसे आपकी हर एक डिटेल मांगते हैं, आपकी फ़ी रिसिप्ट, आपका कॉलेज, आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जितना भी डॉक्यूमेंट्स हैं A to Z सब मांगेंगे वो। एंड सबको एकदम अच्छे से ही चेक करेंगे, फिर आपको आपका स्टूडेंट परमिट वहाँ से मिलता है। पर जिसके भी डॉक्यूमेंट में हल्की सी भी कोई ऊंच नीच होती है उसको साइड में बिठा देते हैं, बाद में उससे वार्तालाप होती है। ओ जट, पहुँच गया कनाडा, स्टडी परमिट मुझे मिल चुका है। डर लग रहा था काफ़ी वहाँ पर क्योंकि मेरे सामने ही एक को अलग बैठा दिया था उन्होंने, मतलब कि उसे वापस भगाने की तैयारी हो गई थी। सो या जो लोग भी आ रहे हैं उनसे बस यही कहूँगा कि डरना मत, चिल रहना, जो होगा देखी जाएगी, यही समझ के आना बस। इतनी दूर आकर भी अगर डर गए तो क्या फ़ायदा यार। लगेज ही लगेज हो रखे हैं यहाँ पर, तो कितनों के तो खो भी गए होंगे, भटक रहे होंगे। तो सर ट्राई ना फाइंड माई बैग, इतने सारे बैग में कौन सा हो, कहाँ होगा पता ही नहीं चल रहा। ओह माय गॉड, ओह मिल गया मिल गया मिल गया, एक मिल गया एक मिल गया एक मिल गया। ओके, और दूसरा भी मिल गया। ग्रेट, अब मैं अपने मिलूँगा भाई से पूरे 1.5 साल, नहीं पूरे 2.5 साल बाद। सो आई एम एक्साइटेड, नई जगह है, सब कुछ नया होगा, लेट्स सी क्या होता है आज। जट अपनी सवारी लेकर आगे बढ़ता हुआ। ओके, तो भाई को टेक्स्ट मैंने कर दिया है कि अब मैं रेडी हूँ, देखते हैं कितनी देर में आता है। कनाडा में सुबह के 6 बजे पहुँच गया था कनाडा के, और अभी टाइम हो रहा है 8:30। मैं बस इतना ही बोलूँगा, अगर जो भी आ रहा है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, अपने पूरे कागज़ ले कर आना, वो तुमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मेरे सामने 2 लड़कों को अलग से बिठा दिया, मुझे नहीं पता उनके साथ क्या होगा। आई होप वापस तो ना ही भेजें उन्हें, अच्छा ही रहे उनके साथ जो भी हो। ओके, मुझे इस फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर पे जाना है और अपनी लिफ्ट आ गई है 2nd फ्लोर पे, तो हम जाएंगे 2nd फ्लोर पे। तो लेट्स सी, भाई मेरा सामने वाली पार्किंग वाली बिल्डिंग में है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, मिलते हैं आज 2.5 साल बाद। या तो भैया, हम हो चुके हैं एंटर कनाडा में। आई एम श्योर मेरे मॉम डैड तो बहुत खुश होंगे ये देखकर। अच्छा है, बढ़िया है, आई डोंट नो व्हाट टू से, आई एम आउट ऑफ वर्ड्स। मैं बस वीडियो बनाए जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बिकॉज काफ़ी थका हुआ हूँ और ऐसे ही है। ये है एयरपोर्ट। यार भैया, तो भैया आज हम मिले हैं 2.5 साल बाद और मैं यहाँ के फंस गया हूँ। अब मैं यहाँ से 2-3 साल तो कहीं नहीं जा सकता। ये लालच मुझे यहाँ तक ले आया,
बताओ, यह है गड्डी अपनी। बहुत डिफरेंट फीलिंग है, आउट ऑफ वर्ड्स टोटली। अभी हम जाएंगे घर। अब यह मेरे भाई की कार है, चलते हैं घर। Use the middle lane to take the Ontario 427 north exit, then keep left at the fork. Two grilled cheese melt and two medium chai tea, triple. Two grilled cheese melt. Yes. And two chai tea, triple. Yeah. तो ये है हमारी कनाडा की फर्स्ट मील, टिम मॉर्टन। ओके, सो एक काम और कर लिया है, आते ही सिम कार्ड ले लिया है मैंने, और उसमें भी नंबर मैंने 13 लिया है, 13 हो ही पड़ी है। ड्राइवर आराम से निकालो, तनख्वाह काट दूंगा मैं, समझे। बैगन ऐसी तैसी करती है, पर टेपा ने बचा देता थोड़ा। तो घर हम आ चुके हैं, अब थोड़ा नहाते धोते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर, मैं फ्लिप फ्लॉप लाना भूल गया था, तो अब हम वो लेने जा रहे हैं, तो थोड़ी शॉपिंग करते हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। ऑलमोस्ट आए थे कुछ और लेने, लेकर ये जा रहे हैं। अभी हम आए हैं कैनेडियन टायर अपने लिए बेड देखने, इनमें से कोई एक लेकर जाऊंगा। नई जगह है, शुरू से शुरू करना पड़ेगा। ये तो सोच रहे हैं ये वाला ले लें या फिर ये, देखते हैं। तो हमने ये वाला एयर मैट्रेस लिया है, नए नए आए हैं, खर्चे हो रहे हैं मेरे मेरे खर्चे। कोई नहीं, हमारे भी होंगे। घर वापस जाने से पहले गुरुद्वारे में मत्था टेकना भी जरूरी है, क्योंकि ये मेरा कनाडा में पहला दिन है और खाली हाथ जाते हुए अच्छे नहीं लगते, इसलिए थोड़े स्वीट्स भी बगल की स्वीट शॉप से ले लिए मैंने। और ये है गुरुद्वारा दशमेश दरबार। मैंने गुरुद्वारे के अंदर की कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मैं काफ़ी थका हुआ था। मैं अंदर गया, अच्छे से प्रे की और एंड गॉड को थैंक यू कहा मेरी हर विश पूरी करने के लिए, एंड वापस आ गया। खाते हैं, पीते हैं, आराम करते हैं, फिर बात करते हैं। ये है हमारी कनाडा की सेकंड मील, पिज़्ज़ा, पनीर पिज़्ज़ा, कभी खाया नहीं मैंने, और साथ में ये कनाडा ड्राई ड्रिंक, देखते हैं कैसी है। ओके, पेट पूजा हो गई हमारी, पिज़्ज़ा कुछ ज़्यादा बड़ा था, खा नहीं पाया, तो बाकी बाद में खाएंगे, रखने जा रहा हूँ। एक पनीर था, एक चिकन था भाई का, सो या अब चलते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, फिर बात करते हैं। हेलो जी, मुझे बस यही बताना था कि मुझे कनाडा आए हुए एक मंथ से ऊपर हो चुका है। आई नो मेरे व्लॉग्स बहुत ज़्यादा लेट हैं,
बिकॉज मेरे पास एडिट करने का टाइम बिल्कुल नहीं है। वजह यह है कि यहाँ का स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, लाइक मुझे काम भी करना पड़ता है, स्टडी भी करनी है, घर के काम ना, तो यहाँ पर सब कुछ खुद ही करना है, तो उस वजह से व्लॉगिंग के लिए टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। रिकॉर्डेड बहुत है मेरे पास व्लॉग पड़े हुए हैं, बस एडिट करने का टाइम नहीं है। एंड लेट मी नो कि ये ट्रैवल सीरीज़ कैसी थी। ये इस ट्रैवल सीरीज़ का आखिरी व्लॉग था, यहाँ से कनाडा के दूसरे व्लॉग्स शुरू होंगे। बट स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम टू टाइम अपनी ऑडियंस को अपडेट करता रहूँ ना, जल्दी जल्दी व्लॉग्स अपलोड करूँ। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये सीरीज़ कैसी थी एंड मेरे व्लॉग्स कैसे हैं, और ये भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि आगे मैं व्लॉग्स कैसे बनाऊँ, मतलब किस टाइप के, अगर कुछ जानना हो वगैरह या कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में वैसे पूछ सकते हो। अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर देना, वैसे मैंने कभी कहा नहीं बट सब्सक्राइब कर ही दो तो अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा लगता है कि जब नंबर्स वो बढ़ते हैं तो वो देख के अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन आता है। स्टे ट्यून, आगे ब्लॉग्स काफ़ी अच्छे आने वाले हैं, बाकी सजेशन देते रहना, जैसा चाहोगे वैसा पाओगे। सो टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम। Thank you.